वेलकम टू माई न्यू पेंटिंग। सो वीडियो पे जब आप क्लिक करे लिए हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो आपने थंबनेल पे जो पेंटिंग देखा उसी पेंटिंग को आज मैं यहाँ पर पेंटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्केच करूँगा, ठीक है। तो गाइस, ये जो स्काई कलर है, ये जो स्काई ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर से मैं पहले यहाँ पर एक स्केच कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं स्केच कर लेता हूँ। आज एक सीस के पेंट करूँगा, जैसे कि आपने देखा ही होगा थंबनेल पे। तो सीस के पेंटिंग में क्या होगा, इधर स्काई और इधर सी, मतलब समुंदर, ठीक है। और यहाँ तक बीच, सी बीच, ठीक है। सो गाइस, बहुत दिन के बाद पेंटिंग में डाल रहा हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से ना क्या होता है, ये जो आपका ये कलर है ना, ये कलर मिल रहा नहीं, मतलब सभी दुकान पाट सब बंद है, दुकानें सब बंद है। तो मतलब लॉकडाउन से पहले ही मेरा कलर बहुत कम था, कलर ख़त्म हो गया था, लेकिन क्या करें, कलर ख़त्म हो गया इसलिए कलर मिल नहीं रहा। बहुत कोशिश करके ढूंढ के बहुत दूर से ये कलर लेके आया हूँ, ये मेरा गलती हो गया। पहले तो आपको स्काई कलर देना चाहिए था। तो चलिए इसको मैं रख देता हूँ ना, बाद में करता हूँ। पहले मैं स्काई का जो कलर है यहाँ पर, पहले मैं उसको देता हूँ। तो देखिए, ये मेरा एक नया ब्रश है जिसको मैंने आज ही खरीद के लाया है। तो ये जो ब्रश है, इसका प्राइस मैंने 60 रुपया में लिया, ये जो ब्रश है, ठीक है, बहुत ही अच्छा ब्रश है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, ओके। तो ये वाइट कलर दे दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया येलो कलर, यहाँ पर मैंने येलो कलर दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर जो पिंक कलर है, ये देखिए मेरा जो पिंक कलर है, ये पिंक कलर मैंने यहाँ पर दे दूंगा। ये पिंक कलर और येलो कलर दोनों मिलके ऑरेंज कलर जैसा बन जाएगा, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे इस कलर के बारे में अगर नहीं जानते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है इस कलर के बारे में वीडियो का, क्योंकि मैंने पहले से इस कलर के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। तो आप अगर इस कलर के बारे में नहीं जानते हो और इस कैनवास के बारे में नहीं जानते हो, तो उस वीडियो का ज़रूर देखिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है। तो गाइज, हमारा जो आसमान है वो लगभग पेंट करना देखिए हो गया है, ठीक है, मतलब जो शाम के टाइम के जो आसमान होता है वो पेंटिंग करना हो गया है। अभी यहाँ पर एक बड़ा सा एक सूरज पेंट करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो इसके लिए पहले मैंने क्या करना होगा, पहले जहाँ पर सूरज को पेंट करेंगे, उस सूरज का जो लाइट है उसको पहले पेंट करना होगा, देखिए यहाँ पर। तो गाइस, चलिए अभी मैं धीरे धीरे यहाँ पर सूरज को पेंट करूँगा, यहाँ पर कुछ जो, और ये जो डीप रेड कलर है, इस कलर से मैं यहाँ पर कुछ क्लाउड्स को पेंट करूँगा। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जो सी है, मतलब जो समुंदर है, इसको मैं पेंट करूँगा, ठीक है। तो चलिए पहले फटाफट से हम ये सब कर लेते हैं।
इट्स डिनर टाइम। वैसे रात के 10 बज गए हैं, तो इसीलिए मैंने अभी अपना डिनर वो कर लेता हूँ। तो डिनर में मुझे ज़्यादा हेवी खाने का आदत नहीं है। वैसे डिनर में जो मैंगो है और या फिर जो मिल्क है, बस यही खाता हूँ, बहुत लाइट खाता हूँ। रात के 10 बज गए, आज पेंटिंग और नहीं करेंगे, और बाकी जो पेंटिंग है वो कल सुबह करेंगे, क्योंकि आज और भी पेंटिंग करने का मन था, लेकिन मेरा जो कैमरा है उसका चार्ज ख़त्म हो गया है, इसलिए आज पेंटिंग में यहाँ पर रख देता हूँ। कल सुबह उठकर ये जो पेंटिंग है वो पूरा ख़त्म करेंगे। आज ये जो पेंटिंग मैंने जितना किया है, इतना पेंटिंग करने मेरे को 1 घंटा टाइम लगा। मतलब मैं 9 बजे पेंटिंग स्टार्ट किया और 10 बजे यहाँ तक पेंटिंग हुआ, ठीक है। और चलिए बाकी जो पेंटिंग वो कल सुबह करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वैसे तो अभी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग हो रहा है। मतलब अभी जो टाइम है वो 5 बज गए, मतलब शाम को 5 बज गए हैं। इसीलिए मुझे इस चैनल पर इतना पेंटिंग आता नहीं है, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन बाद एक पेंटिंग में ला पाता उस चैनल पर, यही वजह है। मतलब क्या बताऊँ, सुबह उठकर देखा कि मेरा जो कंप्यूटर है वो ख़राब होकर पड़ा है, तो CPU लेकर दुकान में चला गया। मतलब इतना दुकान में लंबा लाइन था, वहाँ पर लगभग 1.5 दिन लग गया। अभी देखिए 1.5 दिन में जो कलर है ना, ये कलर भी बिगड़ गया है। मतलब ये जो अर्थ कलर है, इस कलर का यही एक प्रॉब्लम है। मतलब अब जब भी ये कलर को रेडी करते हो ना, तब भी आपको पेंटिंग करना होगा, तो इसीलिए ये कलर सस्ता है लेकिन इसमें बहुत परेशानी होती है। इस ये जो कलर है ना, आर्थ कलर, ये मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी हो, अभी टाइम हो रहा है 5, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज के अंदर ही, मतलब आज रात 9 बजे के अंदर ये पेंटिंग को मैं कंप्लीट करूँगा। तो अभी इसीलिए मैं फुल फोर्स में ये पेंटिंग अभी करने वाला हूँ। तो आप भी देखते रहिए, बिल्कुल भी पेंटिंग को स्किप मत कीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको टाइमलेप्स करूँगा, पूरा का पूरा टाइमलेप्स वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम हमारा जो पेंटिंग है वो कंप्लीट करते हैं।
सो गाइस लीजिए, कंप्लीट हो गया हमारा पेंटिंग, एक सनसेट सीस्केप पेंटिंग। सो गाइस अभी बज रहा है 9, मतलब अभी 9 बज गया है। कल रात 9 बजे पेंटिंग स्टार्ट किया था और आज रात 9 बज गया, तो अभी मैं पेंटिंग ख़त्म कर रहा हूँ। मतलब पूरा 24 घंटा लगा ये पेंटिंग कंप्लीट होने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेंटिंग 24 घंटे में ही मतलब बना है। ये पेंटिंग अगर मैं एक लगन से ये पेंटिंग बनाता तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे टाइम लगते इस पेंटिंग को बनाने में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब मैं कभी भी एक लगन से पेंटिंग नहीं बना पाता, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही पेंटिंग मैं भी करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये पेंटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो इन सब में फॉलो कर लीजिए। मेरा इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।